हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने 2014, 16 के दो पेपर, 18 और इसके साथ में ही कुछ आपको आंसर किए, पर उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हमने 14, 16 के दो पेपर और 18 का पेपर सॉल्व किया है। तो आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 61st क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड होना था, वीडिंग उसको बोलते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एम्ब्रियोसेक टू ओव्यूल इज टू ओव्यूल डैश इज टू एंथर। तो आपको पता है कि ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियोसेक होता है, वैसे ही एंथर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होंगे। एंड्रोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। नेक्स्ट, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विटामिन डी रिच होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेजेंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपका HCG होता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, बट ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रेट होता है। और इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ह्यूमन चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट, प्रोजेस्ट्रॉन और जो एस्ट्रोजन होते हैं, आपको पता है ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन है और इनको ओवरी सीक्रेट करती है। प्रोजेस्ट्रॉन कब सीक्रेट होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन अफेक्ट। एक से ज़्यादा अफेक्ट शो करता है एक जीन, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेलियोट्रॉपी। तो इसमें आप जो दूसरी डेफिनेशन है उनको भी देख लो। पॉलीजेनी क्या होता है, ऐसा मेल इंडिविजुअल हैविंग मोर देन वन वाइफ या मोर देन वन फीमेल पार्टनर। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, जब क्या है 3 और मोर देन 3 एलील्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा एलील जो है वो एक साथ होते हैं। जैसे इसका मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल आपका ABO, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका मियसिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक पर्सन है, ये ध्यान से सुनना, बी ऑप्शन, जो एक पर्सन है उसके पास नॉर्मल, हमें पता है कि 2 सेट ऑफ जीन्स है और 46 क्रोमोजोम पूरा नंबर है, 2 सेट्स ऑफ जो क्रोमोजोम है वो है और 46 इसका क्या है, टोटल क्रोमोसोम नंबर है। लेकिन जब बॉडी में कोई डिफेक्ट आ जाता है और ये क्रोमोसोम नंबर जो है डिफर कर जाता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, ये इसके ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज पोलियो। तो वायरस कॉज करता है, पोलियो वायरस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, पोलियो वायरस वाला प्रीवियस ईयर है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लीबिया माइनोरा, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो ऑप्शन ए, CO2। वैसे जो कॉमन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाले एजेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, CO2 होता है आपका, CH4 होता है, N2O होता है और वाटर वेपर्स भी जो है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है, और वो कौन से एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट, द नेम द एनिमल सेल विच चेंजेज इट्स शेप। तो इनमें से कौन सी सेल है जो अपनी शेप जो है चेंज कर लेती है, तो फर्स्ट वाइट ब्लड सेल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर वाइट ब्लड सेल्स को कॉमनली हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉसिल आर जनरली फाउंड इन, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है फॉसिल होते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है स्टूडेंट्स, उनका हाई टेम्परेचर प्लस उनका हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही वहाँ पे फॉसिल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, तो स्मैक कहाँ से मिलती है हमें, ए लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम पेपरवर्म सोमनिफेरम है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है मोस्टली इस पेपर में मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखे, देखो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, एनसीईआरटी को डिकोड करना क्योंकि इजी नहीं होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालना इजी नहीं होता है। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन उठा लेते हैं, पूरी जो लाइन दी होगी उसको वहाँ से उठा लेंगे और आपको क्वेश्चन फॉर्म में दे देंगे, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। कई बार हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं पेपर क्वालिफाई करने में, तो वहाँ पर फिर हमें दिक्कत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल हार्मोन, तो यहाँ में से टेस्टोस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हु डिस्कवर सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम, तो ये आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रिंजल है बीटी ब्रिंजल जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, बीटी कॉटन भी जो है वो मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ क्रॉप्स हैं, तो इसमें क्या था वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट था, सेम बीटी कॉटन भी इंसेक्ट के लिए फर्स्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था, ठीक है, जीएमओ था वो बीटी कॉटन था, राइट, जिसमें वही जो बीटी टॉक्सिन जीन था, क्राई जीन, वो इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन इनमें डाला गया था वो बैसिलस थ्रिनजेनेसिस जो आपका बैक्टीरिया है, थ्रिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, वहाँ से लिया गया था, इसीलिए इसको बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल बोलते हैं, राइट। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है बायो बूस्टर सीरीज में, उसमें मैंने बीटी टॉक्सिन पे ही वीडियो बनाया है, जीएमओ बीटी टॉक्सिन पे ही वो वीडियो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरिंग ऑफ लंग इज नोन एज प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन, तो इनमें से किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ह्यूमन काइंड के लिए हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। हमें पता है सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होगी तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कचरा फैल जाएगा, जिसकी वजह से हर चीज़ में इंसान को क्या होगा, नुकसान होगा। नेक्स्ट, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द मिथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंक इज, तो जो रह जाता है, ठीक है, मीथेन गैस प्रोडक्शन के बाद उसको हम मैन्योरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो 5 to 6 लीटर या 4 to 6 लीटर भी कई बार यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट, तो हार्ट बीट को नॉर्मली जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to increase sugar production in sugarcane they are sprayed with, तो ये हमने जब NCERT top 100 NCERT questions में अभी प्लांट हार्मोन वाली वीडियो की थी, उसमें हमने सारे ये क्वेश्चन किए थे, और उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जिब्रेलिन का जब हमने रोल किया था। तो जिब्रेलिन क्या करता है, जैसे इंटरनोडल रीजन होता है शुगर केन में, आपको पता है बीच में नोड्स होती है, तो यहाँ ये वाली जो इसकी लेंथ होती है इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ये लेंथ इंक्रीज होगी, आपको पता है शुगर कंटेंट भी इसी में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली जो शुगर है, प्रोडक्शन है शुगर की, वो भी इंक्रीज होगी। One of the following is not a common disorder associated with the digestive system, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि डायरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। टेटनस क्या है आपका, कौन कॉज करता है इसको, तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इसको कॉज करता है, और टेटनस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, लॉक जॉ डिजीज बोलते हैं, लॉक जॉ डिजीज। और जो जॉन्डिस होता है वो कैसे कॉज होता है, जॉन्डिस का कॉज मेनली होता है जब बिलीरुबिन पिगमेंट, ठीक है, बिलीरुबिन पिगमेंट जिसे बाइल जूस में, दो पिगमेंट होते हैं, एक येलो कलर पिगमेंट होता है, दूसरा ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। येलो कलर पिगमेंट को हम बिलीरुबिन कहते हैं, और जो ग्रीन कलर होता है वो बिलीवेरिडिन होता है। जब जो है इस येलो कलर पिगमेंट बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो वो कॉज कर देता है जॉन्डिस, ठीक है। और यही जो येलो कलर पिगमेंट है, यही फिंसिस को जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को येलो कलर इम्पार्ट करता है, राइट। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ जीन आर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीन किस पे कैरी कौन कैरी करता है उनको? क्रोमोसोम कैरी करता है, जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है उसका pH? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो आपको ये क्वेश्चन कई बार आप बुक्स में मैंने देखा कि इसका आंसर जो है 6.42 8.5 और समटाइम 7.4 ये दिया होता है, 7.4 भी दिया होता है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे 6 क्यों है? जब मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, यूरिन क्या है? हाइपोटोनिक होता है और एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल टेस्ट होता है वो मानता है कि यूरिन की पीएच 6 होनी चाहिए, ठीक है, जो टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन की पीएच 6 नहीं है तो उसमें कुछ डिफेक्ट है, ये माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन इसको 6 को सही माना जाता है, ठीक है। वैसे 7.4 भी कई बार जो है ऑप्शन में होता है, करेक्ट दिया होता है आंसर की वगैरह में, मैंने देख रखा है। नेक्स्ट, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ, तो हिंज जॉइंट के वो एग्जाम्पल होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे शोल्डर में होता है। हिंज जॉइंट जैसे हमारे नी और ये जो एल्बो होता है एक ही साइड को ओपन होते हैं ये, ठीक है, एक ही साइड को मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन अ कर्ड? वेरी इजी क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, एन एरिया इन अ ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट, इन कॉकरोच एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल, इन्हीं से जो है वो रेस्पिरेशन होती है कॉकरोच में। नेक्स्ट, कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो एड्रिनल ग्लैंड उसको सिक्रेट करती है, ठीक है। 90 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स, राइट, जो कि हमारे स्ट्रेस वाली कंडीशंस में यूजुअली ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड जो है स्ट्रेस ग्लैंड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, विच फिजिशियन डिस्कवर दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? विलियम हार्वे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा मैंने, इवन ये कमीशन में भी क्वेश्चन रिपीट होता है। डिप्लॉयड नंबर बोला है फ्लावरिंग प्लांट का 36, तो हमें पूछा है कि क्रोमोसोम नंबर कितना होगा एंडोस्पर्म में। तो हमेशा याद रखना है फ्लावरिंग प्लांट की बात हुई है, उसके एंडोस्पर्म की बात हुई है, तो हमेशा ही वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n नंबर होता है। तो अगर डिप्लॉइड नंबर दिया है आपको तो उसको ट्रिप्लॉइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 3n 2n दिया आपको 36, ठीक है, और n कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, मतलब 36 में 18 प्लस कर दो। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। The reproductive part of plant is flower. Very easy question. Next, many pulses of daily use belongs to which of the one family? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fabaceae, जो कि 3rd largest family है। Next, mature ovary forms, देखो कितना easy question है। Ovary से ovary जब mature करती है, develop करती है, तो क्या बनाती है? Fruit और seed कौन बनाता है? Ovule. Next, a conjoined and opervascular bundle will be observed in the transverse section of, ठीक है, तो हमने किया था अभी वेस्कुलर बंडल पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ सारे ओव्यूल जितने भी हैं। तो ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होता है? ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, बीच में क्या चीज प्रेजेंट होगा? जो आपका कैम्बियम रिंग है वो प्रेजेंट होगी। तो ये जो कॉमन किस में होते हैं? डाइकोट स्टेम्स में ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड ऑफ वल्चर्स, तो डेड एनिमल्स होते हैं और ये नेचुरल जो है नेचुरल स्कैंजर्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट को साफ रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, आउटरमोस्ट कवरिंग जो है पोटैटो की क्या होती है? तो वो पेरीडर्म होती है, ठीक है, और ये पेरीडर्म जो है वैसे इम्परमेबल टू वाटर होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है, इसीलिए काफ़ी टाइम तक जो आलू है आपके वो फ्लैशी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं जब डेड प्लांट्स को खाते हैं वो, ठीक है, तो ह्यूमस ही बनाते हैं, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री इज नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर, तो यूकलिप्टस इसका आंसर हो जाएगा। अगर यूकलिप्टस की बात करें तो ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, तो 2 एंड होते हैं प्रोटीन के, बायोबूस्टर सीरीज बायोमोलिक्यूल सीरीज में आपको प्रोटीन जो टॉपिक है इस पे ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन 2 एंड, जिसको एक एंड को बोलते हैं हम एन टर्मिनल या एन एंड, और दूसरा होता है आपका सी एंड। नेक्स्ट इज फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, तो फैट की डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, क्योंकि बाइल क्या करता है, बाइल स्क्रीट होता है आपका, ठीक है, वो उसमें जो पिगमेंट होते हैं बहुत सारे वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, मतलब फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो पेंक्रियाटिक लाइपेज स्क्रीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन को कंप्लीट करता है। मोस्टली जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, चाहे फैट्स हैं, उन सभी की डाइजेशन कंप्लीट होती है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ ट्रू फिश, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग फिश, क्योंकि यही जो पाइसिस क्लास से बिलोंग करती है। जेली फिश आपकी जो है वो सिलेंड्रेटा, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, सिल्वर फिश आपकी अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। मैंने बायो बूस्टर सीरीज में एक ट्रिक बनाया है, फाल्स फर्स्ट ही वीडियो है, और उसमें फाल्स फिश और ट्रू फिश से जितने भी क्वेश्चंस है फाइलम से, इनके कॉमन नेम से, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखा गया है, क्योंकि यहाँ से मिडल लैमेला मेनली कंटेन्स ऑप्शन ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन ऑकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर है, ठीक है, O3 है, इसको ब्रेक कर देते हैं O2+O में, इसलिए जो लेयर है वो भी डिप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया विच रिड्यूज नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन आर, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट, तो लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन रिलेटेड विद स्कल इज, तो स्कल से रिलेटेड बोन इसमें से है आपकी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो कोरिकॉइड जो आपकी बोन है ये आपके शोल्डर के पास होती है, जो आपकी ट्राइंगुलर बोन होती है शोल्डर की, उसके बिल्कुल साथ में दूसरी साइड को। और जो ऑप्शन बी है एरिटिनॉइड की बात करें तो ये आपकी जो लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स के पास ये प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी वोकल मूवमेंट में हेल्प करती है। एटलस क्या है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसका नेम है आचार्य जगदीश चंद्रा बोस बोटैनिकल गार्डन, और उसका पुराना नाम था इंडियल बोटैनिकल गार्डन, और ये फेमस है लार्जेस्ट बनियन ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री विंड, तो डेनमार्क, ठीक है, वो आपने देखे होंगे, चरखे जैसे लगे होते हैं हवा के लिए, ठीक है, आई थिंक वो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन अ लेग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होती है, लैक्टिक एसिड वहाँ पे हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ पर्सन इज 25 सेंटीमीटर, तो देख आप देख रहे होंगे, देखो ये लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन कितना इजी है, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है, ये दोनों ही 10th क्लास के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है कई बार बहुत इजी पूछ लिए जाते हैं, और ये 17 वाला पेपर मुझे काफ़ी ईजी लगा था कंपेरेटिवली बाकियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी, देखो ये भी कितना ईजी क्वेश्चन है, 9th क्लास से डायरेक्ट। तो ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, तो कैंसर की डायग्नोसिस के लिए जो है वो बायोपीसी टेस्ट यूज किया जाता है। बायोपीसी टेस्ट में क्या होता है कि हम बॉडी के टिश्यूज़ को ले लेते हैं और उसको बहुत क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर फाउंड इन सलाइवा, तो सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, जिसको हम सलाइवरी माइलेज भी बोलते हैं, विच हेल्प्स इन दी डाइजेशन ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन अ ब्लड नोन एज, तो इंसुलिन होता है. वैसे ग्लूकागॉन जो है आपका वो भी हेल्प करता है आपका शुगर को कंट्रोल करने में. जब शुगर लो हो जाती है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा देता है, जब जो है शुगर हाई हो जाती है तो इंसुलिन उसको कम करने में हेल्प करता है. इसीलिए जो हाई शुगर होती है, जिनकी यूजुअली हाई शुगर ज़्यादा कॉमन है, जिनकी हाई शुगर होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं. ठीक है, और ये जो इंसुलिन है कौन सीक्रेट करता है, तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियाज का एक पार्ट है, और जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती हैं. नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ, तो ये बायोटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से. ट्रांसफॉर्म्ड सेल, मैंने कहा कि एनसीईआरटी डायरेक्ट डिक्टो लाइन उठाते हैं, तो ये डिक्टो लाइन है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस, लास्ट क्वेश्चन है ये. गोल्डन राइस इज, तो पहली बात ये क्या है, ट्रांसजेनिक राइस है, और ये बीटा कैरोटीन प्लस ये विटामिन ए में भी जो है वो रिच होता है, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए. सो ये था क्वेश्चन 2017 का. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें मैंने टॉपिक वाइज भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन. तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी उसमें लिया है, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें ऐड किए गए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एडिशनल. जो भी वीडियो आपको मिलती है बायो बूस्टर सीरीज़ में या फिर एनसीआर टॉप 100 एनसीईआरटी में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालती हूँ जो मुझे लगता है कि HP 10 में आ सकते हैं. तो वो सिर्फ एक रिसोर्स नहीं होता उसको पढ़ने का कि सिर्फ एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी अदर बुक्स, ठीक है, समटाइम इंटरनेट से, तो सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके वहाँ पे उस टॉपिक में डाला जाता है जो कि स्पेशली ध्यान में रखा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो. राइट, सो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, और बायो बूस्टर सीरीज़ आपकी वैसे ही चली है बीच में, और टॉप 100 एनसीईआरटी में, प्लस हमने केमिस्ट्री सेक्शन की वीडियोस भी शुरू की है. अभी तक तो एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन मैंने बोला है कि वीक में 2 टाइम्स में, और बेसिक केमिस्ट्री के लिए ये आपकी सीरीज़ रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.